हाय व्यूअर्स, यू आर वाचिंग द एक्सप्लेनर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम को आप लोगों ने नून एकेडमी की एक इश्तिहार में देखा होगा। ये नून एकेडमी पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इंडियन क्रिकेट टीम के ऑफिशियल शर्ट पर आप लोगों ने बायजूस का लोगो देखा होगा। ये बायजूस इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी है। इसके साथ साथ कैम्ब्रिज यानी के बेकन हाउस स्कूल्स ने पाकिस्तान में ऑनलाइन लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया है जिसे होमब्रिज कहा जाता है। ऑनलाइन आप मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हो या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हो, आप कैम्ब्रिज एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और इस तरह के दीगर प्लेटफॉर्म्स और दीगर एकेडमीज पीक पर जा रही हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन पीक पर जा रहा है। लोग करोड़ों डॉलर, लाखों डॉलर ऑनलाइन एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एप्स बन रहे हैं, वेबसाइट्स बन रहे हैं, टीचर्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो फ्यूचर में पाकिस्तान ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ तेजी से जा रहा है। इन सारी चीज़ों को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इंडिया की ओवर व्यू लेते हैं, वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन की एक ओवर व्यू लेते हैं। इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन पीक पर है। सबसे ज़्यादा YouTube को ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के तौर पर इंडिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया की आबादी तकरीबन 1,40,00,000,000 से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर YouTube पे एक तूफान बरपा है। वहाँ पर YouTube के ज़रिए से सारे स्टूडेंट्स मुख्तलिफ कोर्सेज, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। वहाँ पर टीचर्स, हर टीचर ने YouTube चैनल बनाया हुआ है और लाखों की तादाद में वहाँ पर YouTube चैनल्स पर ये वीडियोस देखे जाते हैं। इसके साथ साथ खान एकेडमी इंडिया में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, पाकिस्तान में भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और मुख्तलिफ कोर्सेज वहाँ से सीखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ अन एकेडमी, वेदांतु, बायजूस और इस तरह के सिंपली लर्न और दीगर प्लेटफॉर्म्स इंडिया में मल्टी बिलियन डॉलर के प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, बिजनेसेस बन चुके हैं। और वहाँ पर जो उनके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, वहाँ पर उनके मेडिकल, इंजीनियरिंग, FAC, A-Level, O-Level तमाम एग्ज़ाम के प्रिपरेशन ऑनलाइन ही किए जाते हैं और ऑनलाइन एजुकेशन को इंडिया में सबसे बेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों के लोग ऑनलाइन अच्छे टीचर से सीख सकते हैं। इस तरह से पाकिस्तान में भी चंद एप्स और चंद यूट्यूब चैनल्स पीक पर जा रहे हैं। स्टूडेंट्स इन टीचर से और इन एप से, इन प्लेटफॉर्म से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान में नियर पियर से लोग ए लेवल, ओ लेवल, मैट्रिक, यहाँ पर MDKET, इंजीनियरिंग, CSS के कोर्सेज हासिल करते हैं और फिर घर में बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन ये सारे कोर्सेज सीखते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर नून एकेडमी भी लाखों लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ए लेवल के, ओ लेवल के, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के और दीगर बाकी सब्जेक्ट्स के। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो बेकन हाउस स्कूल सिस्टम है, इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा थी। इनकी फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। अपर मिडिल क्लास या इलीट क्लास के लोग ही इन कैम्ब्रिज एजुकेशन को हासिल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अभी हाइब्रिड एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है होमब्रिज के नाम से। अब पाकिस्तान के मिडिल क्लास के लोग और लोअर मिडिल क्लास के लोग ऑनलाइन कैम्ब्रिज एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन ही बेकन हाउस स्कूल का हिस्सा बन सकते हैं। इनकी फीस भी कम होगी और इन्हें दूर दराज शहरों में भी जाना नहीं पड़ेगा। ए लेवल और ओ लेवल के एडमिशंस होमब्रिज में शुरू हो चुके हैं। तो इन चीज़ों को देखकर, इन प्लेटफॉर्म्स को देखकर अब ये प्रिडिक्शन की जा रही है कि पाकिस्तान में इस तरह के और भी इनिशिएटिव लिए जाएंगे और पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर
ब्राइट दिखाई देता है। पाकिस्तान ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहा है, तो इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर में ऑनलाइन एजुकेशन में, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट होगी और आपको इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप कोई कोर्स लर्न कर रहे हैं, अगर आप कोई कोर्स सीखना चाहते हैं, ओ लेवल का, ए लेवल का, CSS का या दीगर कोर्सेज, तो आप ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाएं। इन ऑनलाइन एकेडमीज के बेस्ट टीचर से आप लोग सीख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए कोई प्लेटफॉर्म देखना चाहते हैं, तो इन ऑनलाइन एकेडमीज को विजिट करें, इनके एप्स, इनके वेबसाइट, इनके डिफरेंट कोर्सेज, और उन पर जो वहाँ पर लोगों ने अपने कमेंट्स दिए होते हैं वो पढ़ें, ताकि फ्यूचर में आप अपने बच्चों के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का इंतखाब कर सकें, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म का इंतखाब कर सकें। अगर आप अपना YouTube चैनल बनाना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप एक एजुकेशन बेस्ड YouTube चैनल बनाएं। अगर आप कोई कोर्स सिखाते हैं लोगों को, तो फ्यूचर में ये कोर्स मल्टी मिलियन डॉलर एक प्रॉपर्टी, एक एसेट बनकर आपका जेब भर देगा। यानी कि आज आपने बेस्ट इक्विपमेंट के साथ कुछ कोर्सेज रिकॉर्ड किए, तो फ्यूचर में ये प्रेडिक्शन की जा सकती है कि ये मिलियंस ऑफ व्यूज गेन करेगा ये कोर्स, और आप लाखों करोड़पति बन सकते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन जब से बिजनेस बन चुका है, जब से पैसे कमाने का जरिया बन चुका है, तो यह पीक की तरफ जा रहा है, और बेस्ट एजुकेशन यहाँ पर पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में प्रोवाइड की जा रही है। ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है। कोई दूसरा टीचर आपसे यूनिक अंदाज में पढ़ा रहा है, आपसे बेहतरीन अंदाज में पढ़ा रहा है, तो लोग उनकी तरफ जाएंगे। तो हर बंदा कोशिश करता है कि बेस्ट से बेस्ट दूँ और मैं लोगों को चीज़ें सिखाऊँ, लोगों को चीज़ें पढ़ाऊँ। तो यहाँ पर जब कंपटीशन बनता है तो क्वालिटी इम्प्रूव होती है, और क्वालिटी इम्प्रूव होती है तो यहाँ पर एजुकेशन बेहतरीन अंदाज में लोगों तक पहुँचाई जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एक्सप्लेनर। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।